रहता हूँ सुभाष के बदरपुर, रेलवे में काम करता हूँ। 3 महीने का तनख्वाह है, अभी तक मेरा मिला नहीं। और सुपरवाइजर वो ठेकेदार है हमसु। ललिता नाम है मेरा, रेलवे में नौकरी करती हूँ। 20 साल से तनख्वाह 8 महीने से नहीं दिया, मेरा पैसे सब मर गए, बच्चे भूखे मर रहे हैं, सब टट्टी पिसाब सब उठवाता है, घीस रहते हैं, मरे सड़े रहते हैं, उनको भी उठाना पड़ता है, हाथों से सब कुछ करना पड़ता है। पूनम है मेरा नाम, मैं रेलवे में काम करती हूँ और मैंने तो सुना 18,000 सैलरी है, लेकिन हमें 7,500 ही मिलते हैं। और कूड़ा उड़ा सब उठाते हैं, हर सारी सफाई फाई करते हैं पटड़ी की। मेरा नाम छोटी है, मैं 3 साल से काम कर रही हूँ हंसुक में, और पटड़ी में ही लेन नहीं कर रही हूँ, कूड़ा मैं कर रही हूँ, कूड़ा उठा रही हूँ। कुत्ता कट जाए, बिल्ली कट जाए, भैंसा कट जाए, सब उठाते हैंगे ही, और पैसे मेरा 3 महीने का ही हंसुक नहीं दे रहा है। हम बदरपुर सुभाष कैंट से ही हम दिल्ली आते हैंगे ही, या यहाँ कभी गाजियाबाद भेज देगा, कहीं फरीदाबाद के इधर भेज देगा, टाउन की तरफ। और पैसे देने का ही कहेगा कि ये महीना नहीं अगले में देंगे, अगले में नहीं दूसरे में देंगे। फ़ोन करते हैं तो कोई उठाता ही नहीं है। मेरा नाम सोनी है, मैं सुभाष कैंट से बदरपुर से आई हूँ NTPC। और मैंने सुना है रेलवे में 17-18 सैलरी मिलती है और हमें 7,000 रुपये मिली जाती है, 7,500 रुपये। और छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना परेशानी। और अंशु पैसे भी हमारे नहीं देता है, 3 महीने के पैसे रोक रखा है और ढंग से सैलरी भी नहीं दे रहा। मेरा नाम बनासी है, मैं रेलवे में काम करता हूँ और सैलरी सब 7,500 रुपये देती है। मेरा नाम शंकर है, मैं बदरपुर तुकलकाबाद में रहता हूँ और समझ लो मेरा 3 महीना 10 दिन का पैसे नहीं दी अंशु ठेकेदार। मेरा नाम मुकेश है, हम रेलवे में काम करते हैं और हमें मैडम तनख्वाह नहीं दे रही, ना अंशु का तनख्वाह दे रहा, हर चीज़ हमारे से उठवाता है, झाड़ियाँ कटवाता है, नाली का काम करवाता है और कूड़ा उड़ा सब उठवाता है हम लोगों से। और हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत गरीब आदमी हैं।